तेरी पाक पवित्र इच्छा पूरी हो परमेश्वर। आमीन। हम तेरे नाम के परमेश्वर प्रभु धन्य कहते हैं, यहोवा का नाम धन्य है। चल जी ताली बजा के भाई परमेश्वर के लिए बजा रहे हो। हाथों पर मुंह खोले, हाथ को उठा के
बोलता जाए, प्रार्थना करते प्रार्थना करते प्रार्थना करते प्रार्थना करते प्रार्थना करते प्रार्थना करते कुछ हो रहा है आपके घर में। तीन वो बड़ी ब्लेसिंग्स खुलने वाली है। जब मैं पुल पे कहा था, जो मैंने घोषणा करी थी, वो समय आ रहा है। वो तीन ब्लेसिंग्स खुलने वाली है। सब जन प्रार्थना में जाए, प्रार्थना में खुदा का आत्मा आपके शरीर से उन चीजों को बाहर करे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कैंसर, एचआईवी, प्रभु के नाम में जाए। हर एक महामारी जो फैल रही है, चाइना से आने वाला वायरस जो इंडिया में स्प्रेड हो रहा है, मैं उस वायरस को यीशु मसीह का खून दिखाता हूं। ए वायरस, जहां से भी तू देख रहा है, देख, प्रभु का ब्लड इस चर्च पर लगा है, हम सब पर लगा। वापिस वापिस जाए, यहां से वापिस। मैं पूरे इंडिया के लिए घोषणा करता हूं, ये वायरस फैलता हुआ है, लेकिन आज प्रभु के नाम में रुकना शुरू हो जाए, खत्म, यीशु के नाम में फिनिश हो जाए। आपके घर सुरक्षित रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका जीवन आशीषित रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये वायरस आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आमीन। कमांड, जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर से उन चीजों को बाहर करो। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, हल्का हल्का कमांड करो, कमांड करो, जल्दी से, जल्दी से बाहर निकालो, बाहर निकालो। कोई इंफेक्शन, कोई वायरस, we
समय यीशु का लहू चल रहा है। आमीन। फील कर रहे हो उसे? फील कर रहे हो? फील कर रहे हो? तुम्हारी नसों में प्रभु का ब्लड चल रहा है, फील कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और जीसस उसका ब्लड चले और कुछ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसका ब्लड चले और कुछ ना हो, ऐसा संभव नहीं है। मैं तुम्हारी बॉडी को इसी समय प्रभु के हाथों में सौंप देता हूं। कोई रोग ना काम करे। जो लोग कैंसर के पीड़ित है, HIV के पीड़ित है, जिन लोगों को पथरियों की शिकायत है, जिनके गर्भाशय में प्रॉब्लम है, जो शरीर में बीमार है और किसी भी तरह के इंफेक्शन से अगर ग्रस्त है, तो आज मैं प्रभु के ब्लड भेजता हूं। ये पहली प्रोफेसी तुम्हारे लिए पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। कोरोना वायरस को मैं प्रभु के नाम में यीशु नाम चर्च के लिए, रोहतक शहर के लिए, हरियाणा के लिए, पूरे भारत के लिए कैंसिल करता हूं। कैंसिल करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इवन राइट नाउ अगर कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित है और मुझे सुन रहा है या देख रहा है या इस समय कान लगा के सुन रहा है, वो हील हो रहा है प्रभु के नाम में। आमीन। हील हो जाए प्रभु के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, दूसरी भविष्यवाणी तुम्हारे लिए पूरी हो। तुम्हारे डेरो, तुम्हारे डेरो में बरकत रहे। आमीन। छोटा बड़ा चल, जुड़ जाओ मेरे साथ इस प्रोफेसी में, जुड़ जाओ इस प्रोफेसी में मेरे साथ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जुड़ जाओ, कोर्ट के कचहरियों में तुम अब नहीं जाओगे, किसी भी केस से जुड़े हो। नौकरी करने जा सकते हो लेकिन किसी शर्मिंदा के कारण नहीं जाओगे। आमीन। मैं प्रभु के नाम में कचहरी के काम रद्द करता हूँ तुम्हारे लिए, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। यीशु मसीह के समर्पित नाम में हर कोर्ट केस पर तुम जय पाओगे, हर कचहरी पर तुम जय पाओगे प्रभु के नाम में। परमेश्वर मेरा मुझे बता रहा है कि तुम्हारे डेरों में शांति वो भेज रहा है, तुम्हारे रहने के स्थानों पर शांति भेज रहा है, तुम्हारे रहने के स्थानों पर शांति भेज रहा है। जहां तुम सोते हो वहां शांति है।
ये दो प्रोफेसी तुम्हारे लिए पूरी होने जा रही है प्रभु के नाम में, लेकिन जो तीसरी भविष्यवाणी है उसे तुम बैठ के नहीं, उसे तुम खड़े होकर रिसीव करना प्रभु के नाम में। धन्यवाद करने के लिए पहले धन्यवाद करो। शुरू हो जाओ धन्यवाद, धन्यवाद करो ऊंची आवाज से सब जन। Hey!
Yeah.
प्रभु का धन्यवाद करते हो, तारीफ करें परमेश्वर की। यीशु मसीह के सम्मति संकीर्ण नाम में हालेलुया, आमीन। सब कहो आमीन। 15 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर एक विशेष वर्ड को देने जा रहा है, जो इन तीनों प्रोफेसी को जो आपके जीवन में आज से पूरी होंगी, इस वर्ड के द्वारा ये प्रोफेसी पूरी तो होगी ही, लेकिन मजबूती से आपकी लाइफ में स्टेबल भी रहेगी। तो जो मैं कह रहा हूं वो करो, अगले 15 सेकंड धन्यवाद करो प्रभु का। सम्मति नाम में तारीफ छोटी ना हो। ये वचन होगा, वचन के बाद प्रभु पहुंच लेंगे, और प्रभु पहुंच के बाद मैं आपके लिए एक फाइनल प्रेयर करूंगा। तो इन सब चीजों के लिए अपने मनों को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप इन छोटा है चर्चे सुनो, फिर लुक की किताब बुक ऑफ ल्यूक फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट, नए नियम से लुक की किताब चैप्टर 8 अध्याय 8, 8 भाग में से हम निकालेंगे 26 आयत वर्स 26। आमीन। जल्दी से हम बाइबल में देखेंगे, जितने लोगों के पास बाइबल है अपनी बाइबल उठाओ, एक बार हिला के दिखाओ, जब भी हिला के दिखाओ। अब जिन लोगों के पास नहीं है वो इनकी बाइबल की ओर देखो, देखो एक बार, हिलाओ हिलाओ और सोचो आपके पास क्यों नहीं है। आमीन। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। जिसमें क्या थी? दुष्ट आत्मा नहीं, दुष्ट आत्माएं थी। क्या था? बहुत सारी लिखा है। जब वह वहां पर पहुंचा तो एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना तो कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम है? मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। लोग उसे सांकलों से, बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्माएं उसे जंगल में भगाए फिरती थी। हालेलुया। यहां पर वो आदमी क्या है? उसके अंदर बहुत सारी दुष्टात्माएं हैं। बहुत सारी क्या है उसके अंदर? दुष्टात्माएं, बहुत सारे भूत प्रेत उसके अंदर घुसे हुए हैं। एक नहीं है, यहां पर एक से ज्यादा है। और खुदा का वचन क्या बता रहा है? यीशु मसीह उस जगह पर गया, जैसे ही यीशु को उस आदमी ने देखा, उस आदमी की हालत आप देखो,
वो घर में नहीं रहता था, कब्रों में रहा करता था। आन के अंदर जो कब्रें खुदी हुई हैं उनमें घुस जाता था। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो कब्रें हैं किसी की उनको खोद के उसमें जाके लेट जाता था, उसमें जाके सो जाता था। आप उस इंसान की विडंबना देखो, उसका जीवन कैसा है। ये सब वो अपने आप से नहीं करता था, ये सब उससे दुष्टात्माएं कराती थी। अपने पड़ोसी को बोलो दुष्टात्माएं कराती थी, दुष्टात्माएं उससे कराती थी। जब दुष्टात्माएं शैतान की तरफ से भेजी हुई, जब दुष्टात्माएं आपके जीवन में काम कर रही होगी। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जो वीरान है, जो खत्म है जगह, जहां पर मरे हुए लोग रहते हैं, मरे हुए लोग दफनाए हुए हैं, वहां पर कोई नहीं जाएगा। कब्रिस्तान कभी आप घूमने गए कि चलो मैं आज कब्रिस्तान घूम के आता हूं? कभी ऐसा आ गया आपका, चलो आज हम बच्चों के साथ कब्रिस्तान चलेंगे शाम को? ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, आपका कोई प्रिय अगर गुजर गया है तो आप जा सकते हैं उसकी ग्रेव पे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अपने खुशी खुशी में तो कोई नहीं जाता। लेकिन यहां पर वो आदमी क्या है, कब्रिस्तान के अंदर रहता है। शैतान ने उस इंसान को बांधा हुआ है, शैतान परिवार से दूर रखता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो अपने परिवार के साथ रहे। जब आपके जीवन में दुष्टात्माएं काम करेंगी तो शैतान आपको सबसे पहले आपके परिवार से, आपके प्रिय लोगों से, आपके अपने लोगों से, लोगों से आपको आपकी कलीसिया और दूर कब्रिस्तान लेकर जाएगा। ये शैतान करता है। जो व्यक्ति चर्च आना छोड़ देता है उसका मतलब यह है कि शैतान उसका हाथ पकड़ के उसे कब्रिस्तान लेके जा रहा है। जो व्यक्ति अपनों को छोड़ देता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है, अपने ऐसा व्यक्ति शैतान की गिरफ्त में है। कब्रिस्तान लेके जाता था, वो व्यक्ति नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे वो बार बार कब्रिस्तान ले जाता था। मैंने देखा कई लोगों को, कई लोग शमशान घाट में पड़े रहते हैं, शमशान घाट की मिट्टी में रहते हैं, टोने करते हैं, टोटके करते हैं। खुदा आपको ऐसा जीवन नहीं देना चाहता। खुदा आपसे चाहता है कि आप मसीह में आच्छाद हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद कर देता है। खुदा का कलाम हमें क्या कर देता है, फ्री कर देता है, आजाद कर देता है। 2020 लग गया प्रियो, यीशु मसीह का आगमन कभी भी है। अपने जीवन को कब्रिस्तान मत बनाओ। शैतान अगर आप उन चीजों से दूर हैं जो शैतान की ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से है, तो समझ लेना आप कब्रिस्तान में हैं। अगर आपके जीवन में वो आशीषें नहीं है जो खुदा आपको देना चाहता है, तो समझ लेना आप कब्रिस्तान में हैं। अगर आपको परमेश्वर फलवंत करना चाहता है और अगर आप नहीं हुए, तो इसका मतलब समझ लेना कि आप कब्रिस्तान में हैं। अगर आप कलीसिया से अपने आप को दूर देख रहे हैं, अगर आज तक आप एक आत्मिक चर्च के सदस्य नहीं बन पाए, अगर आज तक आपको कोई आत्मिक मेंटर नहीं मिला, अगर आज तक आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं है, या फिर कोई स्पिरिचुअल मेंटर नहीं है, या स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू आर फार फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये दो दिन की सभा ग्लोरी टू ग्लोरी, जब मैं पुलपिट पे आया कोई प्लानिंग के साथ नहीं, खुदा ने मुझे यही से बताया
यहाँ पर आए हुए बहुत लोगों को मैं तीन तरह से ब्लेस करूंगा, मैं तीन तरह से प्रभु बोला हाँ, उनके शरीरों को चंगा मैं कहा प्रभु बोला हाँ, बोला उनके डेरों में शांति मैं कहा प्रभु बोला हाँ, डेरों में शांति, उनकी कलिसिया में शांति, उनकी प्रार्थना के स्थानों पर शांति, उनके सोने रहने खाने पीने के स्थानों पर शांति, उनके दफ्तरों में शांति, उनके काम करने वाली जगहों पर शांति। वो उन लोगों को अपने जीवनों से दूर जाते देखेंगे जो लोग उन्हें सताते हैं, वो उन लोगों को अपने जीवन से दूर जाते हुए देखेंगे जो लोग उनके जीवन में श्रापों को लाते हैं। मैं आपके जीवन में उस पीस को देख रहा हूं। खुदा ने मुझे बताया तीसरी चीज आप लोगों के लिए, बोला मैं बहुतों को कुछों को नहीं, बहुतों को यहाँ पर, बहुतों को देखा प्रभु, शरीर चंगा हो गया, घर में धन आ गया, वो जीवन में शांति है, और क्या चाहिए? बोला इतने से काम नहीं चलेगा, ये उसकी पर्सनल बरकतें हैं, अब मैं उसे एक विजय जीवन दूंगा। उठा के तुम जय पाओगे प्रभु यीशु मसीह। किसने बताया तुम हारोगे? मैं कह रहा हूं तुम जय पाओगे। किसने कहा तुम निराश रहोगे? मैं कह रहा हूं तुम आनंदित रहोगे। किसने कहा तुम मर जाओगे? मैं कह रहा हूं तुम जिंदा रहकर सही समय पर मरोगे। पहले नहीं, आमीन, पहले नहीं, बूढ़ा होगे मरना लहला के कमार, जब तेरी उम्र 70 साल हो तब भी रन करके दिखाना, दिखाना तेरे गोडों में पानी नहीं पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरी किडनियां परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के नाम से। डॉक्टर कहते हैं एक निकाल दे, एक से काम चल जाएगा, एक निकाल देते हैं, एक डैमेज हो गया है। मैं देख रहा हूं किसी के घर में ऐसा पेशेंट है, डॉक्टरों से कह रहे हैं एक किडनी निकाली जाए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसे नई किडनी दे रहा है। आमीन। बिना चीरा लगाए, बिना सर्जरी करे, ये खुदा की ओर से हुआ है। तुम्हारा नया ऑर्गन बन रहा है प्रभु की ओर से। ओ जीसस कितना प्यार करते हैं आपसे। ये मैं नहीं, ये खुदा है, ये मेरे द्वारा नहीं, ये खुदा के द्वारा। आपकी किडनी में 10 mm की पथरी परमेश्वर कह रहा है हटाओ। आप कह रहे हैं पथरी हटा दो, पथरी प्रभु कह रहा है इसकी किडनी हटाओ, नई वाली डालो मेरी ओर से। डॉक्टर कह रहा है 2.5 लाख रुपए लगेंगे नई किडनी की, परमेश्वर कह रहा है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे अभी दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। डॉक्टर कह रहा है गुर्दों में पानी है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे जीवन का पानी पिला रहा हूं, तेरा फालतू पानी बाहर, संसारिक पानी बाहर, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं लोगों को जयवंत जीवन दूंगा, जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, जो मेरे पीछे चलेंगे, जो मेरे वचन के अनुसार चलेंगे, वो जयवंत कहलाएंगे। अगर आपके जीवन में आत्मिक आशीष नहीं है तो बड़े दुख की बात है, आप कब्रिस्तान में। आत्मिक आशीषों का होना जरूरी है। आज आपके पास धन आएगा, कल चला जाएगा, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। आप देखते हैं हरियाणा में लोग चादर ओढ़ के चलते हैं, बुक्कल मार के चलते हैं। अभी तो ऐसा समय नहीं है, लेकिन पहले के समय में लोग घर से रजाइया ओढ़ के चल पड़ते थे, बसों में जा रहे हैं रजाई ओढ़ के चलेंगे। जो लोग जानते हैं इन चीजों को, मैं आपको बता रहा हूं वो सेम बुकल जो चादर पूरी तरह रैप कर जाती है, कहीं से हवा नहीं घुसेगी, ऐसी एक ग्लोरी की चादर आपके ऊपर रैप करी जा रही है। आमीन। रैप करी जा रही है। आमीन। ग्लोरी की महिमा की चादर में आप लिपेटे जा रहे हैं। आमीन। शैतान का कोई तीर कहीं से नहीं घुस पाएगा क्योंकि आप रैप करे गए हैं। आमीन। आप लपेटे गए हैं। आमीन। छिपाए गए हैं, आप बचाए गए। आप इन छोटे में क्या कर पहुंचा? आप छुड़ाए गए हैं। यीशु का ब्लड आपकी चादर बन रहा है, यीशु के ब्लड की चादर आपको उड़ाई जा रही है। मेमने का लहू आप पर आ रहा है, पवित्र मेमने का लहू आप पर आ रहा है, यीशु का लहू आप पर आ रहा है।
टोटल प्लेस हो गए जाओगे इस ग्लोरी टू ग्लोरी सना से इस छोटे गेट से आप बार बार में निकलोगे परमेश्वर आपको प्लस कर रहा है हमको उठा के चिल्लाए कोई चीखे कोई चिखारे कोई पर शेर की तरह कोई चिल्लाए ले रही है अपने पड़ोसी को बोलो स्टेप ले रही है स्टेप का मतलब कदम ले रही है अपने पड़ोसी को बोलो ग्लोरी शिफ्ट हो रही है आपके जीवन में शिफ्ट हो रही है मैं अपनी आत्मा में फील कर रहा हूं ग्लोरी इस पुलपिट से आपके लिए स्टेप ले रही है आपके जीवन में एंटर कर रही है के जीवन में मूव कर रही है सारे बंधन टूट रहे हैं यदि किसी की शादी टूटी है तो प्रभु के नाम में कमान रेस्टोरेशन किसी के घर में झगड़े विवाद है कमान रेस्टोरेशन परमेश्वर उन लोगों से तुम्हें अलग कर रहा है जो ठीक है और जो मान नहीं रहे परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे परमेश्वर उन लोगों से तुम्हें सेपरेट कर रहा है सेपरेट कर रहा है और बड़ी कमाई के लिए अकेले खड़े हो जाओगे तुम बड़ी टेस्टिमनी को लेकर जैसे हाथ में झंडा है वैसे तुम अपनी कमाई को लेकर खड़े होगे परमेश्वर मुझे क्यों बता रहा है कि आपको परमेश्वर इतना ब्लेस कर रहा है क्योंकि ये दिन मुकर्र है तारीख देखो 2 तारीख दूसरा महीना 2020 God is going to bless you. इस तारीख को पेपर पर लिख कर देखना अपनी बाइबल पर लिखना पिछले पेज पर लिखना कि मेरे परमेश्वर ने इस तारीख को मेरे जीवन में ग्लोरी को भेजा है महिमा को भेजा है आपके निक्के निक्के बच्चे बीमार हैं, मैं कह रहा हूं आपके छोटे छोटे निर्णय छोटे छोटे बच्चे प्रभु की महिमा से भरेंगे आपके आपने देखा एक छोटा बच्चा फर्स्ट आया उसको यहाँ पर पुरस्कार भी दिया मैं कह रहा हूं आपके बच्चों की रिपोर्ट कार्ड आप देखकर इस चर्च में ढोल बजा के आओगे आमीन ढोल बजाते हुए आएंगे आप अपने बच्चों की रिपोर्ट कार्ड लेंगे गेट के बाहर ढोल बजाना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन ऐसा परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है आपके बच्चे आपके लिए शर्मिंदा नहीं आपके बच्चे आपके लिए ग्लोरी का कारण बनेंगे महिमा का कारण बनेंगे टेस्टिमनी का कारण बनेंगे लेकिन प्रियो इस चीज को ध्यान रखना अगर आप अपने जीवन में खुदा के वचन से दूर हैं, प्रोफेसी आपकी लाइफ में पूरी तो होगी लेकिन प्रोफेसी को पूरा होने के लिए और स्टेबल होने के लिए वर्ड की जरूरत है वचन की जरूरत है खुराक की जरूरत है इसलिए बहुत लोग चंगे होते हैं फिर बीमार होते हैं कारण चंगियाई को उसके अंदर रहने की वो वातावरण नहीं मिला वो माहौल नहीं बना आप अपने घर को शुद्ध रखते हैं साफ रखते हैं सफाई रखते हैं रोशनदान बनाते हैं खिड़की बनाते हैं दरवाजा बनाते हैं आप एक धुएं वाले कमरे में आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते तो यहां से आपके लिए डिक्लेयर हुई आपके अंदर उसको रहने के लिए वातावरण चाहिए दिस प्रोफेसी नीड्स एटमोस्फेयर इनसाइड यू आपके भीतर आंखों को बंद करके कोई बोले मेरे भीतर परमेश्वर ऐसे एटमोस्फेयर को वातावरण को बना दे आज की भविष्यवाणियां उसमें रह सके पूरी हो सके तू रह सके जीसस तारीफ करो परमेश्वर ऐसा हो रहा है मैं अपने स्पिरिट में देख रहा हूं ऐसा हो रहा है मैं अपने स्पिरिट में देख रहा हूं ऐसा हो रहा है
धन्यवाद धन्यवाद की महिमा से दूर था, वो कब्रों में रहता था, हड्डियों को देखता था, उसके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं थी, कपड़े भी नहीं पहनता था। शरीर पर उसके मैल थी, पूरा शरीर उसका वस्त्रों से नहीं ढका था, मिट्टी से, कालकपन से, कब्रिस्तान की मिट्टी उसके शरीर, कब्रिस्तान की मिट्टी। बहुत बार लोग अपने जीवन में श्रापित है, उन्हें मालूम नहीं लगता श्रापित है, लेकिन श्रापित है। कारण एक सही कलिसिया के अंदर संगति ना होने के कारण, एक सही सही मेंटर ना होने के कारण, वचन की तालीम ना होने के कारण, पवित्र आत्मा का अभिषेक ना होने के कारण। इवन जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा है, मैंने बहुत लोगों को देखा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में है, लेकिन अभिषेक नहीं है। कमाल, ये ग्लोरी टू ग्लोरी सभा आपके जीवन में अभिषेक को भी भेज रही है। अगले 10 मिनट में 7 मिनट में 12 मिनट में वचन का प्रचार खत्म, लेकिन अभिषेक आपके छगा को बना रहा है। तैयार हो जाओ उन लोगों से दूर होने के लिए जिन लोगों को खुदा ने तुम्हारे लिए नहीं बनाया। आमीन। छोटा चर्च, तैयार हो जाओ उन लोगों से अपने आप को दूर करने के लिए। आप नहीं करेंगे, परमेश्वर पकड़ के आपको दूर करेगा। बाइबल लिखा है, मैंने तुझे गहरे जल से खींच कर निकाला है। गहरे जल ने आपको बांधा हुआ था, गहरे जल ने आपको डुबाया हुआ था, गहरा जल आपको ऊपर नहीं आने दे रहा था, क्योंकि आप ऊपर आते तो आप तैर पाते, वो गहरा जल आपको तैरने से रोक रहा था। मेरा प्रभु यीशु मसीह जल पर चल के आया, आज आपको गहरे जल से बाहर निकाल रहा है। आमेन। गहरे जल से आउट हो रहे हैं। आमेन। खींच कर निकाल रहा है। आप लहरों पर चलेंगे, पानी पर तैरेंगे प्रभु के नाम में। आमेन। तैरेंगे प्रभु के नाम में। आमेन। आपकी बड़ी टेस्टिमनी तैयार है, रेडी है, लेकिन अपने अंदर वातावरण को तैयार करो, अपने अंदर उस गंदगी को बाहर फेंक दो जो आपके अंदर है। खुदा की महिमा आपके अंदर है। बाइबल में लिखा है कि वो व्यक्ति वस्त्र भी नहीं पहनता था, कपड़े भी नहीं पहनता था, लेकिन यीशु को देखा तो चिल्लाया, उसके पांव में गिर गया और बोला कि प्रभु मेरी विनती है, तू मुझे दुख मत देना, क्योंकि ये बात उसने नहीं, उन दुष्ट आत्माओं ने बोली थी जो उसके अंदर थी। यीशु मसीह उसको कहते हैं, इसमें से निकल जा। बोला हम एक नहीं, बहुत सारे हैं। बोला तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम सेना है। और बाइबल बताती है प्रभु ने उसको उसमें से निकाल दिया। सूरों का एक झुंड खड़ा था, प्रभु ने सारी दुष्टात्माओं को उन सूरों में भेज दिया और वो सूर ऊपर पहाड़ी से नीचे जल में गिर गए और खत्म हो गए और वो व्यक्ति आजाद हो गया, परमेश्वर की महिमा करने लगा। वे महिमा करने लगा। जब आपका एनकाउंटर जीसस से होता है, जब आपका एनकाउंटर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होता है, जब आपका एनकाउंटर ग्लोरी से होता है, खबर आपकी लाइफ बदलने लगती है, आपका जीवन बदलने लगता है, आप समर्पण करने लगते हैं, आप क्षमा मांगने लगते हैं, आप पश्चाताप करने लगते हैं, आप अपने रिश्तों को परमेश्वर के साथ और गहरा और मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने लग जाते हैं, आप बाइबल में ध्यान देने लगते हैं, आप प्रार्थनाओं में ध्यान देने लगते हैं, आप चर्च की छोड़ते नहीं है, आप सच की सभाएं तोड़ते नहीं है, आप फेलोशिप छोड़ते नहीं है। चाहे नजदीक से आना पड़े, चाहे दूर से आना पड़े, चाहे पास से आना पड़े, चाहे शहर से आना पड़े, चाहे गांव से आना पड़े, आप पहुंचते हैं, क्योंकि आपके लिए आपका परमेश्वर तो स्वर्ग से जमीन पर आ सकता है, आपको तो इसी जमीन पर परमेश्वर की कलीसिया पे आमीन। छोटा आमीन। छोटा है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक मिनट पहले भी हालेलुया,
आपके लिए क्षमा मांग रहा था मरने से पहले। सही सही समय पर प्रभु मर गया, सही सही समय पर आप कलीसिया पहुंचो, सही सही समय पर आप आराधना करो, सही सही समय पर आप चर्च में आओ, सही सही समय पर परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लेकर आओ। परमेश्वर आपके जीवन में सही सही समय पर ब्लेसिंग को खोलेगा यीशु मसीह के नाम से। और अपने हाथों को उठाई परमेश्वर के सामने, उनका बल बहुत ऊंचा है जिनके साथ यहोवा है, उनका बल बड़ा ऊंचा है जिन्हां दे नाल यहोवा है। अपने हाथों को उठाए परमेश्वर के सामने, सिखियो अपने हृदय को तैयार करें प्रभु के सामने। प्रभु अपने लहू से मुझे धो दे। आप में से बहुत लोग यहां पर बपतिस्मा पाए हुए हैं, और जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया चर्च से जाने से पहले अपना नाम जरूर दे, आपको बताया जाएगा किस तारीख को आपको बपतिस्मा मिलेगा। आप में से बहुत लोग कलीसिया में अपने विशेष बीजों को बोना चाहते हैं, से निकलने से पहले अपने नाम दे कि मैं अपने विशेष बीज बोना चाहता हूं। आप में से बहुत लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं चर्च से निकलने से पहले अपने नाम दे। खुदा हमारे बीच में है, ये ग्लोरी टू ग्लोरी सभा में परमेश्वर अद्भुत कामों को कर रहा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मोना का बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। मोना का बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। मोना का बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे बल है यहोवा।
ये समय है कि प्रभु भोज लिया जाए। प्रभु भोज क्या है? बाइबल बताती है प्रभु भोज लेने का मतलब प्रभु के मृत्यु को याद करना और इस बात की गवाही देना कि प्रभु अभी तक वापिस नहीं आया है। प्रभु यीशु जिस रात को पकड़वाया गया, तूने रोटी ली, तोड़ी और जेलों को दे दी, कहा ये मेरी देह है। प्यारी के पीछे से कटोरा लिया और जेलों में बांट दिया, बोला ये मेरा लहू है, लहू में नहीं बाचा है। प्रभु इसे लेकर प्रभु जी हम इस बात को स्मरण करते हैं कि तूने हमारे लिए जान दी है प्रभु, और इस बात को भी बताते हैं तू अभी तक वापिस नहीं आया। अपने लहू से अपनी कलिसिया को धो दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अब वो लोग अपने स्थानों पर खड़े हों जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है और प्रभु भोज में शामिल होना शुरू हो। प्रभु का धन्यवाद हो। सीखिलो सुबह को निशिता दिया दिया कहाँ दाए